व्हाट इज अप एवरीवन एंड स्वागत है सबका बैक ऑन मैग्नम गेमिंग। स्वागत है आप सबका चैनल पे। एंड आज हम आपके लिए लेके आए हैं लॉर्ड मैग्नम टूर्नामेंट का डे वन का मैच टू। एंड एज यू नो हमारा एक टूर्नामेंट चालू है विच इज़ रनिंग फॉर टू संडेज एंड चार मैचेस टीपीपी और एफपीपी दोनों हैं उसमें। एंड द विनर ऑफ द टूर्नामेंट को प्राइजेस मिलेंगे, रनर अप को प्राइजेस मिलेंगे, एक एमवीपी ऑफ द टूर्नामेंट भी डिक्लेयर किया जाएगा। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। प्लीज मेक श्योर कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइक करें वीडियो को ताकि वीडियो स्प्रेड हो, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आप सपोर्ट करें इन टीम्स को, और आप भी ये कस्टम्स ज्वाइन कर सकते हैं। आपको हमारे साथ कनेक्टेड रहना है, नीचे डिस्कॉर्ड का ग्रुप हमारा लिंक है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, जाइए ज्वाइन करिए, सपोर्ट करिए एंड मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल अगेन। और हियर वी आर विद मैच टू ऑन डे वन। एंड हमने आपको पिछले मैच में पॉइंट्स टैली दिखाया था, तो जस्ट सो दैट इट इज क्लियर कि इस मैच के जो पॉइंट्स होंगे वो उस पॉइंट्स टैली में ही ऐड कर दिए जाएंगे एंड जिस टीम के सबसे ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीतेगा एज यूजुअल एज ऑफ कोर्स। तो आइए शुरू करते हैं। एंड कमिंग बैक टू द गेम, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारी लॉबी में वही इन्वाइटेड टीम्स हैं, प्री रजिस्टर्ड टीम्स हैं, द सेम टीम्स फ्रॉम मैच वन डे वन। एंड यहाँ पे अभी ये गेम शुरू होने वाला है। लास्ट मैच में एज यू नो डेथ स्लेयर्स ने चिकन डिनर ली थी, दे हैड अ वेरी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस। इंटरेस्टिंग होगा टू सी हाउ द टॉप थ्री टीम्स इन द लास्ट मैच हैव डन, उनकी स्ट्रेटजीज कैसे चेंज हुई होंगी और टीम्स जो लोअर एंड ऑफ द टेबल पे थे वो पता नहीं कैसे अप्रोच करेंगे इस गेम को, क्योंकि उनको नाउ पॉइंट्स स्कोर करने हैं, उन्होंने पॉइंट्स लूज किए हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं दैट द फ्लाइट रूट इज सेट एंड करेंटली हम लोग टीम नंबर 25 पे हैं विच इज आईसीजी माइल्स नॉक। सतीप का प्लेन आया है RP-40 एंड टीम आईसीजी यहाँ पे दे हैव टेकन ऑफ एंड टीम वन इज ऑल्सो टेकन ऑफ। आप देख सकते हैं फ्लाइट रूट, ओके इट इज फ्रॉम मोंगनाए टू आई थिंक इट इज गोइंग ऑल द वे टू कैंप अल्फा। एंड यहाँ पे पैराडाइज रिसोर्ट एक हॉट ड्रॉप हो सकता है बट आई डोंट थिंक वहाँ टीम्स जा रही हैं। एंड या ऑलमोस्ट सब लोग डी बोर्ड कर चुके हैं, यहाँ पे अर्ली फाइट्स शायद हमको देखने को मिल सकती है। या टीम 25, टीम 22, टीम 1 एंड टीम 15 सब आई थिंक कैंपोंग, लकावी, डॉक्स, केव, कैंप चार्ली इन एरियाज की तरफ जाएंगे। बूट कैंप में आई थिंक दो टीम्स उतर रही हैं या राइट जस्ट ओवर इट। टीम नंबर 5 खाओ चली गई है, सो सेफ ड्रॉप फॉर देम। रूइंस भी लोग आई थिंक पुश कर रहे हैं, नॉट सो श्योर। ओके यहाँ बूट कैंप में दो टीम्स उतरी हैं, टीम 9 एंड टीम 22। ये टीम नॉकआउट है, टीम 9 एंड टीम 2 इनके सामने है, दे हैव टेकन द मेन बिल्डिंग। यहाँ शायद एक अर्ली गन फाइट हो सकती है, डिपेंड करता है कौन पहले पुश करता है, किसके पास वो फर्स्ट लूट आती है। एंड टीम कॉस्मोस यहाँ रूइंस ऑक्यूपाई कर चुकी है, हेल ऑफिशियल उनके पास है बट नॉट एट रूइंस। टीम नंबर 5 खाओ पे है एंड यहाँ पे एक्चुअली काफी टीम्स नीचे की तरफ है, यहाँ फाइट हो चुकी है एंड नॉक पे आई थिंक पुश हो गया है। एंड यहाँ टीम एम सी आई थिंक देर मेकिंग देर वे टूवर्ड्स द वेयरहाउस, उनको पता है उनके बंदे कहाँ हैं और उन पर आई थिंक एक गन फाइट लेने लायक लूट है। यहाँ आप M4 देख सकते हैं, लेवल 2 वेस्ट, लेवल 2 हेलमेट, ये जरूर ये फाइट यहाँ हो सकती है, यहाँ ये फाइट हो जाएगी। एंड आप देख सकते हैं ट्रेडिंग शॉट्स बैक एंड फोर्थ, यहाँ टीम एम सी के लिए क्रूशियल होगा टू गेट अर्ली नॉक्स एंड पुश इट इफ दे वॉन्ट टू टेक दिस। टीम 9 हम लोग को देखना होगा उनकी स्ट्रेटजी क्या है, वो लोग थोड़े से फंसे हुए हैं आई थिंक, वो यहाँ से दे विल रोटेट आउट एंड दैट इज वॉट दे आर डूइंग। वो लोग ये फाइट अभी नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनके लिए करेक्ट नहीं है, उन पर लूट नहीं है और बेटर है आप फाइट लेके मर जाओ, उससे अच्छा कि आप बैक ऑफ कर जाओ। आप देख सकते हैं ये FPP सैनहॉक है एंड नेक्स्ट वीक वी विल हैव द फर्स्ट मैच, इरेंगल विल बी FPP और सेकंड मैच सैनहॉक TPP होगा आई बिलीव। एंड टीम 9 रोटेट आउट कर चुकी है, यहाँ पे स्टार क्रू का फाइट ऑलरेडी हो चुका है टीम नंबर 12 के साथ एंड टीम नंबर 12 राइट उनके सामने है, दिस इज MS सुदीप, तो ये ज्वारी MX का टीम है। एंड यहाँ पे देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन ये फाइट ले जाता है, काफी क्लोज हैं ये लोग, आई डोंट थिंक यहाँ पे रोटेट आउट करने का चॉइस है जैसे वहाँ टीम नंबर 9 बूट कैंप से रोटेट आउट कर गई थी, ये यहाँ फाइट होके ही रहेगी। टीम नंबर 20 स्टार AK काफी डैमेज खाते हुए, स्टार AK को हील करना बहुत जरूरी है। स्टार क्रू को आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा पैसिव खेलना होगा, बैक ऑफ करना होगा। यहाँ बूट कैंप में आप देख सकते हैं दे हैव बैक्ड आउट, यहाँ MS सुदीप तो विद द UMP उन्होंने नॉक किया स्टार आशीष को, सो वो दे कैन एक्चुअली मेक अ मूव फॉर अ पुश राइट नाउ बट वो लोग पुश नहीं ले रहे हैं, वो यही डिस्टेंस से ये मिड रेंज फाइट लेना चाह रहे हैं। यहाँ से पीछे से राइजन की स्क्वाड आगे बढ़ते हुए, टीम नंबर 12 स्टिल टेकिंग शॉट्स, यहाँ दोगला हंटर शायद आगे पुश करने की कोशिश
कोशिश कर रहे हैं। टीम नंबर आई थिंक यहाँ स्टार क्रू थोड़ा दूर एंड पे चला गया, राइजन शैडो डैमेज देते हुए, लाइक मैंने बोला था ये राइजन शैडो पीछे से आ रहे थे, दे कुड रोटेट इन। टीम नंबर 22 के बहुत क्लोज है, शायद उन्होंने अभी रियलाइज किया उनके सामने स्टार एक और स्टार चेतस है, स्टार डेस्टमेंट सामने रिच पे है। स्टार डेस्टमेंट वेक्टर का एक स्प्रे लेते हुए, M16A4 भी चल रही है यहाँ पे, स्टार एके नॉक्ड है आई थिंक, स्टार डेस्टमेंट भी बहुत लो है। राइजन क्रिस लेफ्ट से रोटेट करते हुए, फ्लैंक करते हुए, यहाँ पे थिंग्स नॉट लुकिंग वेरी गुड फॉर स्टार क्रू। एंड हमने देखा पिछले मैच में उन्होंने चिकन डिनर लिया, क्या यहाँ पे एक अर्ली एग्जिट होने वाली है। राइजन क्रिस ने पुश कर दिया है एंड इसी के साथ स्टार क्रू हैज बीन नॉक्ड आउट अर्ली ऑन इन द गेम, और ये थोड़ी सी बैड न्यूज होगी उनके लिए, बिकॉज दे वन द लास्ट गेम और उनके पास अच्छे खासे पॉइंट्स थे, पैसिव खेल जाते थोड़ा प्लेसमेंट सिक्योर कर लेते टॉप फाइव में, उनके पॉइंट्स बहुत अच्छे हो जाते। हमने लास्ट गेम में भी देखा डेथ स्लेयर्स ने भी बहुत अच्छा खेला था, सेकंड आए थे, अपोलॉजीज अगर मैंने पहले बोला हो कि वो फर्स्ट आए थे, आई एम नॉट श्योर मैंने क्या बोला, बट प्रोसीडिंग है। बूट कैंप लूट हो रहा है, रूइंस पे कॉस्मोस की टीम है, स्ले इज राइट इनसाइड द जोन। यहाँ पे सैनहॉक में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जोन रोटेशन, एंड सैनहॉक में जोन रोटेशन विद FPP में एक्चुअली स्नेकिंग और जो लोग सांप बन के खेलते हैं उनके चांसेस कम हो जाते हैं, उनके पास प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है टू टेक अवे दैट टेक अवे स्क्वाड्स जो रोटेट इन कर रहे हैं, बट नंदरलेस सैनहॉक क्योंकि एक छोटा मैप पे 4x4 है तो जोन रोटेशन ज्यादा एग्रेसिव होता है, आपको जल्दी रोटेट करना होता है, और सैनहॉक में होल्ड करना हाउसेज ज्यादा इंपॉर्टेंट है देन अदर मैप्स, क्योंकि यहाँ पे ओपन घास है और FPP में आप TPP जैसे पैसिव गेम प्ले नहीं कर सकते, आपको फेस टू फेस आना ही पड़ेगा, वो गन फाइट इवेंचुअली अगर आप ट्रैक करना चाहते हो तो गन फाइट हो गई। यहाँ एयर ड्रॉप में M249 आई है, देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ क्या होता है और कौन सी टीम यहाँ पे ले जाती है चिकन डिनर। आई थिंक जोन रोटेशन इज की और जोन पुश होने भी वाला है विद इन 5.5 मिनट्स, यस। तो यहाँ पे टीम्स के लिए देखना जरूरी होगा कि जल्दी कैसे रोटेट करते हैं। यहाँ पे टीम 4-bit क्लोज है, नॉट सो श्योर कि व्हाट आर दे ट्राइंग, क्योंकि काफी स्प्रेड आउट है। रूइंस पे कॉस्मोस की टीम है एंड कॉस्मोस हैजंट लेफ्ट रूइंस, वो लोग वहीं पे ड्रॉप किए, वहीं पे लूटे हैं, अभी तक वहां है, नो रोटेशन फॉर देम राइट नाउ। और यहाँ पे हो सकता है 4-bit माइट जस्ट रन इनटू कॉस्मोस एट रूइंस, कॉस्मोस इज गोइंग टुवर्ड्स द ब्रिज, हाँ ठीक है, दे वांट टू गेट टू द दूसरा साइड ऑफ द ब्रिज, रोटेट करना चाह रहे हैं आई थिंक दैट वे। टीम ICG यहाँ पे हमने गेम वन में देखा था, टीम ICG गॉट नॉक्ड आउट बाय F2XNYT, F2XNYT इज बीन डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम द टूर्नामेंट बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन इश्यू। एंड यहाँ पे टीम राइजन निंजा भी जोन के बाहर, देखना जरूरी होगा यहाँ पे। आप देखें तो टीम 12, टीम 1 एंड टीम 25 सब काफी क्लोज है। नॉकआउट ने यहाँ जोन के अंदर एक पोजीशन होल्ड कर रखा है, अगर वो वहीं पे रह गए और ये तीनों टीम आ गई तो दे कुड मीट ऑल द 3 टीम्स ऑल एट वंस, ऐसा भी हो सकता है। GGX जोन के बाहर है, आई डोंट थिंक इनपे कोई वो लूट है जो ये चाहते थे, स्ले कंफर्टेबली रोटेट कर जाएगी, उनके पास कोई नहीं। यहाँ 4-bit डेडेक्स के पास टीम नंबर 6 आई बिलीव, बहुत टीम नंबर 8 एक्चुअली बहुत क्लोज है, एंड यहाँ हो सकता है कि टीम नंबर 6 के सोलो मेंबर है लाइकॉनिक माइट फाइंड हिमसेल्फ इन अ गन फाइट, बट नहीं उनपे गाड़ी है वो निकल जाएंगे। कॉस्मोस होल्डिंग रुइंस, वो लोग अब तक निकले नहीं है। रुइंस इज वन ऑफ द प्लेसेस इन सैनहॉक जहाँ बहुत अच्छी लूट मिलती है। आई बिलीव कि आप रुइंस अगर होल्ड करके अच्छे से लूट लो तो आपके पास हर बंदे के पास एक AR और एक SMG तो एट लीस्ट होने वाला है, विद लेवल 2 वेस्ट एंड लेवल 2 प्रोटेक्शन हेलमेट, अच्छे खासे मेड्स भी मिल जाते हैं। लूट एट रुइंस इज वेरी गुड, अगेन बूट कैंप लूट इज वेरी गुड। यहाँ टीम MC इनसाइड बूट कैंप, आई थिंक वो लोग निकलेंगे यहाँ से, दे विल रोटेट आउट वेरी सून। टीम नंबर 5 आप देख सकते हैं ब्रिज पे है, अयान दत्ता एंड स्क्वाड। यहाँ डेथ स्लेयर्स जो सेकंड आए थे इन द फर्स्ट गेम, अगेन आउटसाइड द जोन, बट आई थिंक वो लोग देख रहे हैं कि हाउ डू दे रूट बैक इन टू द जोन। टीम GGX इनके बाजू में है, दे वेरी क्लोज इनफ फॉर अ गन फाइट अगर इनपे लॉन्ग रेंज स्कोप्स हो, एंड वहाँ फाइट एक्चुअली होते हुए बिटवीन दोगला हंटर, हिटमैन इज नॉक हो चुके हैं एंड दोगला हंटर का एक बहुत अच्छा यूजी का स्प्रे, उन्होंने निंजा मीको को नॉक कर दिया। राइजन निंजा गोइंग हेड टू हेड, यहाँ पे ये गन फाइट हो चुकी है, दो बंदे नॉक्ड है बट आई थिंक दोनों रिवाइव हो जाएंगे, उनपे कवर है। एंड टीम नंबर 12 काफी स्कैटर्ड भी है एट द सेम टाइम। टीम नंबर 1 विच इज राइजन एंड निंजा हील करते हुए,
नॉक रोहित कार 98 के साथ ट्राइंग टू स्पॉट राइजन एंड निंजा, सो दिस डज नॉट लुक वेरी गुड फॉर राइजन एंड निंजा. आई थिंक उनको दोनों तरफ से पड़ रही है. टीम आईसीजी ऊपर है, अगर टीम आईसीजी रोटेट करती है तो वो भी ये गन फाइट ज्वाइन कर सकते हैं नीचे की तरफ, बट अगर ऊपर से स्पॉट कर ले तो वो टीम नॉकआउट को थर्ड पार्टी कर सकते हैं अगर राइजन एंड निंजा उनको लेट करती है. बट टीम नॉकआउट यहाँ से निकल रही है, राइजन एंड निंजा भी हील कर रही है, निकल रही है. यस ये फाइट अभी यहाँ आई डोंट थिंक हम देख रहे हैं. आईसीजी रोटेटिंग डाउन एंड लेफ्ट, आई थिंक उन्होंने बंदे स्पॉट नहीं किया. उनके क्लोज है जीजीएक्स की टीम, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये फाइट वहां होती है क्या या फिर ये लोग सब जोन पैसिवली पुश करना चाहते हैं. गन फाइट अभी ना ले अर्ली ऑन इन द गेम. डेथ स्लेयर्स ओपन से जोन पुश कर रही है बट लकीली फॉर देम वहां कोई है नहीं उनके अराउंड. बाकी हेल ऑफिशियल, एफयूके ऑफिशियल एंड आयान दत्ता आर आर डेविल्स का जो स्क्वाड है, आर आर डेविल्स स्टिल इन द गेम. एक्चुअली देयर ओनली टू मैन स्क्वाड, बाकी उनके मेंबर्स के पास मैप नहीं था सो दे हैड टू बी किक्ड. आप प्लीज मेक श्योर करिए कि आप सारे मैप्स डाउनलोड करें सो दैट ये दिक्कतें आपको ना फेस हो, बिकॉज आपके टीम मेंबर्स मैप डाउनलोड नहीं करते, सोचते हैं लास्ट मिनट में कर लेंगे एंड फिर कभी कर नहीं पाते. प्लस सेकेंडली आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते विदाउट द मैप. और यहाँ उन्होंने सामने ओके नहीं सामने ड्रैगन आई थॉट जीजेक्स आइकॉन ने किसी को स्पॉट किया. यहाँ पे टीम आईसीजी और नॉकआउट आर वेरी क्लोज, डेथ स्लेयर्स थोड़ा दूर है, जीजेक्स वॉकिंग इन टू द जोन. आई थिंक उनके लिए दे नीड टू हरी दिस अप, उनके पास गाड़ी नहीं है एंड जोन रोटेशन एज आई सेड बहुत इंपॉर्टेंट है इन सैनहॉक. 40 पीपल अलाइव विद 12 टीम्स. और यहाँ कॉस्मोस का फाइट हो गया है एंड दे स्टिल होल्डिंग रूइंस. वहां पे हेल ऑफिशियल ओके उनके पास सिर्फ ये एक घर है सो दिस डज नॉट लुक गुड. एंड वहां पे कॉस्मोस ने डिसाइड किया दैट दे आर गोइंग टू पुश इट एंड यहाँ पे ऑलरेडी हेल ऑफिशियल इज वन मैन डाउन. कॉस्मोस की टीम पुश कर गई है, देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कैन 4-bit मेक देयर वे आउट ऑफ इट. एंड सॉरी ये हेल ऑफिशियल नहीं, दिस इज 4-bit टीम 4-bit एंड कॉस्मोस का है बहुत ही क्लोज. टीम नंबर 10 पुशिंग इन कॉस्मोस का एकदम लीड करते हुए आई थिंक वो अंदर घुस गए हैं. एक को नॉक कर दिया उन्होंने बट उनको एंड फिनिश भी कर दिया. एंड यहाँ पे लास्ट बंदे 4-bit डेड एक्स हैज बीन किल्ड एज वेल. तो यहाँ पे अच्छा पुश कॉस्मोस की तरफ से, नॉक एंड पुश विच इज ऑलवेज वन ऑफ द बेटर स्ट्रेटजीज, क्योंकि आपके पास वो टाइम रहता है क्योंकि सामने वाला अगर रिवाइव भी हो रहा है तो हील नहीं कर सकता उतनी देर में अगर आप पुश कर दो तो. एंड देवर ऑलरेडी अ मैन डाउन. टीम नंबर 1 राइजन एंड क्रिस, इनके सामने टीम नंबर 9 है. क्या ये गन फाइट यहाँ हो रही है? नॉट येट. टीम नॉकआउट सामने और अब ये गन फाइट हो चुकी है. राइजन एंड इंजन ने नॉक रोहित को टैग दिया अच्छा खासा, एक अच्छा स्प्रे यहाँ पे एंड उन्होंने नॉक कर दिया. एंड देर पुशिंग दिस बट क्या ये एक अच्छा पुश है? बिकॉज बहुत ओपन है, वी हैव टू सी जोन का भी उन पे पुश हो रहा है, दे हैव नो चॉइस. राइजन एंड निंजा दोनों प्लेयर्स नॉक्ड है एंड ये जोन के बाहर से बाकी तो कवर और बैकअप देने का कोशिश बट दे आर टेकिंग जोन डैमेज. और एक अंदर से नॉक अंकित का आई थिंक बहुत अच्छा स्प्रे, ही इज टैगिंग देम अलॉट. नॉक रोहित यहाँ पे हील कर लें, क्योर लिए जाएंगे. नॉक एनेकिन ने नॉक कर दिया दोनों बाकी प्लेयर, दोनों में से एक को और एक को बहुत टैग दिया हुआ है. राइजन एंड क्रिस लास्ट गाइस स्टैंडिंग और यहाँ पे वाइप हो सकती है राइजन एंड निंजा एंड वही हुआ. जोन डैमेज लेते हुए जोन के बाहर फाइट लेना नॉट अ वेरी गुड ऑप्शन, बट उनके पास वहाँ चॉइस नहीं थी, जोन का पुश हो गया था बिकॉज दे वर रोटेटिंग लेट इनटू द जोन. यहाँ टीम एमसी है, इनके सामने टीम नॉक है, उन्होंने गन शॉट सुने हैं बट उनको आइडिया नहीं है कहाँ पे. एंड अगर आप देखें तो दे आर ऑल्सो वेरी आउट ऑफ द जोन. यहाँ पे टीम हेल ऑफिशियल हैज टेकन द जोन, आर आर डेविल्स इज इन द जोन. टीम एमसी के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा दैट दे मूव इनटू द जोन एज सून एज पॉसिबल. यहाँ पे आप देख सकते हैं ओके 3 टीम्स यहाँ कन्वर्ज कर रही हैं, टीम कॉस्मोस, टीम एमवाई यूनिटी एंड आई थिंक टीम डेथ स्लेयर्स. यस दे आर ऑल कन्वर्जिंग एट द ब्रिज. यहाँ देखना इंटरेस्टिंग क्या ये ब्रिज पे फाइट हो गया और ये तो ओपन से जा रहे हैं. नॉट अ वेरी सेंसिबल आइडिया इन माय ओपिनियन. वो आराम से पकड़े जा सकते हैं किसी एक के भी स्प्रे में. उनके लेफ्ट में टीम है, उनके पीछे टीम है और वहां पे हेल ऑफिशियल एक्चुअली वेट कर रही है उनके लिए. दे आर नॉट कैंपिंग द ब्रिज आई थिंक बट दे आर राइट एट द ब्रिज. एंड स्ले न्यूबॉर्न यहाँ पे आई थिंक वो स्पॉट कर सकते हैं टीम नंबर 10 के मेंबर जो ऊपर चढ़े कॉस्मोस का राइट में, मे बी उनको नहीं स्पॉट करेंगे. ओके आई डोंट थिंक उन्होंने स्पॉट किया, वो घूम गए, उन्होंने नहीं स्पॉट किया. ओके एंड ब्रिज पे राइट एक और प्लेयर टीम नंबर 10 के लास्ट गाय आ रहे हैं एंड कॉस्मोस का है उनके सामने है. यहाँ क्या स्ले न्यूबॉर्न नॉक कर देंगे कॉस्मोस का तो. एक अच्छा स्प्रे, बहुत अच्छा स्प्रे का ऑलमोस्ट आई थिंक 1 HP होंगे यहाँ पे कॉस्मोस के, उनको परस्यू करना चाहिए था बट वो नहीं कर रहे हैं, इज फॉलिंग बैक. एंड लाइक आई सेड 1 HP
यहाँ कॉस्मोस का एक लाइफ मिलते हुए, एकेएम का बहुत अच्छा स्प्रे दिया बट उन्होंने परस्यू नहीं किया शायद उनको, ओके क्योंकि उनपे आई थिंक पीछे एक टीम से पुश हो रहा है। यहाँ पे आई थिंक कॉस्मोस को नॉकआउट करने का अच्छा चांस था डेथ स्लेयर्स के, बट उन्होंने वो चांस नहीं लिया। आप टीम नंबर 8 देख सकते हैं, दे आर ऑलरेडी ट्राइंग टू गेट इन टू द जोन। जीजीएक्स ड्रैगन M16A4 सिंगल टैप, यहाँ पे डैमेज खाते हुए, नीड्स टू बी वेरी केयरफुल। और आई थिंक यहाँ जीजीएक्स के लिए डिफिकल्टी बढ़ते हुए टू रोटेट इन टू द जोन, उनके सामने टीम्स ही टीम्स, टीम आईसीजी भी उसी ब्रिज के आसपास कन्वर्ज हुई है एट दिस पॉइंट, सो देर आर फोर टीम्स वेरी क्लोज टू ईच अदर। डेथ स्लेयर्स को केयरफुल रहना होगा, उनको भी जोन में रोटेट करना है एंड टू मेक श्योर कि वो फ्री में किल्स ना दे दे किसी को। कॉस्मोस ब्रिज पे है, दे आर गेटिंग इनटू द सेम टीम, आईसीजी का जोन में है राइट नाउ बट दे हैव टू इधर स्विम इट और वो लोग ब्रिज के थ्रू जाना उनको जरूरी है बिकॉज वो जगह शायद नेक्स्ट जोन में 90% चांस है ना गिरे। एंड जीजीएक्स एक्चुअली बिना जाने हुए आई थिंक टीम आईसीजी की तरफ बढ़ रही है, दे हैव नो क्लू आई थिंक वो वहां है। एंड ड्रैगन लीड कर रहे हैं विद, ड्रैगन एक्चुअली पीछे है एट दिस पॉइंट विद आईकॉन उनके सामने है, आईसीजी माइल्स यहाँ पे लूटते हुए आई थिंक कुछ मेड्स ढूंढ रहे हैं। ब्रिज पे फाइट हो गई लाइक आई सेड, हेल ऑफिशियल ब्रिज कैंप नहीं कर रही थी बट दे वर वेरी क्लोज, आई थिंक उन्होंने डैमेज दिया। यहाँ ड्रैगन अंदर आ चुके हैं, बहुत अंदर आ चुके हैं, वेरी क्लोज टू टीम 25, अगेन सराउंडेड बाय टीम 25। आप देखें चारों बंदे उनके आसपास हैं, यहाँ पे चीजें एक शार्प डैमेज खाते हुए नॉक होते हुए आई थिंक उनको फिनिश कर ही दिया जाएगा। ड्रैगन अगेन ट्राइंग बट उनको भी नॉक कर ही दिया जाएगा इस सराउंडेड। जीजीएक्स आइकॉन को भी मार दिया गया, जीजीएक्स बिन वाइट अर्ली ऑन फ्रॉम दिस गेम एंड यहाँ पे जोन रोटेशन के चलते लेट जोन रोटेट करते गए क्योंकि उन्होंने पैसिव ड्रॉप किया था और लक उनके फेवर में नहीं रहा फॉर द जोन वेर वेरी एक्सट्रीम एक दूसरे डायरेक्शन में। टीम नंबर 10 यहाँ पे हेल ऑफिशियल के साथ उनकी फाइट होनी ही है, यहाँ हेल वाइपर विद द कार 98, उधर एमसी साइको ने सतीप को नॉक कर दिया है, अंकित को नॉक कर दिया है और ये फाइट मैंने जैसे कहा था ये फाइट होके ही रहेगी यहाँ पे। स्ले सागर डैमेज खा चुके हैं जोन से, एक गोली की बात है स्ले सागर का हेल्थ जीरो हो जाएगा, कॉस्मोस का है और ये पुश कर चुके हैं टीम फोर पे बिकॉज उन पे चॉइस नहीं है। हेल ऑफिशियल को यहाँ होल्ड करना होगा, नॉक थे वो और एक और बंदा हेल ऑफिशियल के नॉक, सोल टाइटन नॉक है, हेल असैसिन लास्ट मैन स्टैंडिंग और आई थिंक यहाँ हेल ऑफिशियल ने गलती कर दी है बट नॉट बीइंग एबल टू होल्ड इट वेल इनफ, फिनिश होंगे यहाँ पे। लास्ट पर्सन है असैसिन, वो उस घर के अंदर है या शायद डिस्ट्रॉयर को आइडिया है वो कहा है? नहीं उनको नहीं आइडिया है, स्टिल सर्चिंग फॉर हिम, वो फुटस्टेप नहीं दे रहे हैं वहां से असैसिन एंड ही इज वॉक्ड राइट पास्ट असैसिन बट अब उनको पता है असैसिन का है। बस अब आई थिंक यहाँ पे है ऑफिशियल खत्म है, यस लोइस डिस्ट्रॉयर विद द AUG एंड वो एक्चुअली एट दिस पॉइंट जोन में सबसे अच्छा पोजिशनिंग उनका है। टीम आईसीजी ने स्विम कर लिया है जोन, स्मार्ट ऑप्शन बट उनके सामने टीम एमसी है एंड यहाँ एमसी उनका गेम बिगाड़ सकती है या रोटेशन स्पॉइल कर सकती है या वो एमसी का रोटेशन स्पॉइल कर सकते हैं। यहाँ पे क्यूबीजी इन हैंड आईसीजी 20 के तरफ से और उन्होंने एक अच्छा स्प्रे दिया टीम आईसीजी ने, दोनों तरफ आई थिंक बंदे लिट हुए हैं। यहाँ पे आई थिंक टीम एमसी एट अ डिसएडवांटेज, उनपे कवर है बट दे ऑल्सो हैव टू ट्रेवल अपहिल और टीम आईसीजी वहां से फॉल बैक भी कर सकती है। ओह यहाँ स्नाइपर्स भी चलते हुए, एक्सिस बडी विद द AWM शॉट ले सकते हैं, आई थिंक उन्होंने लिया, यस नॉक कर दिया, ब्यूटीफुल एक और शॉट जबरदस्त, एक्स बडी विद दैट AWM डूइंग द डैमेज। आईसीजी माइल्स फर्स्ट एड लगाते हुए फील करना होगा आई थिंक वो देयर, आईसीजी अभी सोच रहे होगी यहाँ से निकल ही जाते हैं ये फाइट में नहीं लेते हैं, उनके पास अच्छी लूट है और एग्जैक्टली वही आई थिंक देयर फॉलोइंग बैक धीरे धीरे। एमसी स्क्रीज लिट है बट आराम से पीछे आ जाएंगे, उनको अच्छा बैकअप और कवर दिया जा रहा है जब दोनों बंदे सेव हो जाने चाहिए बिकॉज उनको बैकअप अच्छा दिया जा रहा है फ्रॉम साइको एंड एक्स बडी। मैंने एक बार 8 बिट तक को ये कहते सुना था कि आप नॉक हो आपकी गलती नहीं, आप फिनिश हो जाओ आपकी गलती है क्योंकि आपकी पोजीशनिंग इसका मतलब खराब थी और यहाँ पे टीम एमसी की पोजीशनिंग अच्छी थी इसी के लिए नॉक होके भी दे आर सेफ। टीम आईसीजी होल्डिंग द ग्राउंड, आई थिंक उनको लग रहा है ये जोन का सेंटर अराउंड ही है, दे विल स्टे हियर। वहाँ पे आरआर डेविल्स का 2-man स्क्वाड उनके तरफ बढ़ रहा है एंड आई डोंट थिंक उनको आइडिया है यहाँ पे बंदे हैं। यहाँ डेथ स्लेयर्स की फाइट हो चुकी है माई यूनिटी के साथ टीम नंबर 8 और आई थिंक यहाँ पे आउट ऑफ जोन फाइट है तो यहाँ पे टीम नंबर 8 वाइप ही होनी है, उनके चांसेस बहुत कम है, जोन से भी डैमेज ले रहे हैं एंड लाइक आई सेड जोन के बाहर फाइट ले रहे थे, जोन से भी डैमेज ले रहे थे।
ओ एंड यहाँ पे कॉस्मोस की टीम हैज हेल्ड द जोन नाउ. टीम आईसीजी भी अब रोटेट करेगी इनवर्ड्स, टीम फाइव भी रोटेट करेगी इनवर्ड्स, एंड पीछे से टीम टू भी रोटेट करेगी इनवर्ड्स. सो लॉट ऑफ टीम्स कमिंग इन. आईसीजी मैच से ग्रोजा आ गई है, वेरी वेरी ओवर पावर्ड इन अ क्लोज कॉम्बैट रेंज. और उनके क्यूबीजी भी है विद द 3x, तो मिड रेंज भी कर सकते हैं, विच इज परफेक्ट फॉर सैनहॉक राइट नाउ, क्योंकि आप लॉन्ग रेंज फाइट्स कम ही देखते हो सैनहॉक में. एंड वहां पे एमसी पे शॉट्स, एमसी एक्सपेडी पे शॉट्स आते हुए ओके टैग करके वो लोग आगे चले गए इनको टू स्लो देम डाउन आई थिंक, बट वो लोग दे स्टार्टेड रोटेटिंग इन. टीम आईसीजी और टीम कॉस्मोस एकदम फेस टू फेस यहाँ आ सकती है. कॉस्मोस का दूसरे डायरेक्शन में देख रहे हैं, यहाँ आप देख सकते हैं एक रिज पे है टीम डेथ स्लेयर्स, टीम कॉस्मोस होल्ड कर रखी, टीम आईसीजी वहां ऊपर है. आईसीजी बीस्ट यहाँ पे, टीम आईसीजी के लिए थोड़ा सा दे नीड टू गेट बैक टू द जोन. टीम एमसी जोन के बाहर है, जोन जोन डैमेज भी ले रही है विच इज नॉट वेरी फेवरेबल, क्योंकि आप लिट जोन में आओगे, अगर आपका तुरंत गन फाइट हो गए तो आप इजिली फिनिश हो जाओगे. आईसीजी बीस्ट यहाँ पे गन फाइट होते हुए बिटवीन टीम आईसीजी और ये गाड़ी लेके टीम एमसी, उनके सामने से दो बंदे निकले, कोई भी नॉक नहीं हुआ बट आई बिलीव नहीं, उन्होंने पबजी किंग को नॉक कर दिया. ब्यूटीफुल स्प्रे फ्रॉम दैट क्यूबीजी. यहाँ थिंग्स नॉट लुकिंग गुड फॉर टीम नंबर टू. टीम आईसीजी टॉक्सिक को यहाँ पीक करने की कोशिश, ट्राइंग टू मेक एन एंगल और ब्यूटीफुल स्प्रे, बट नॉक होते हुए डैमेज लेते हुए सामने से. यहाँ पे सब टीम्स कन्वर्ज कर रही है, बहुत जबरदस्त गन फाइट यहाँ पे. यहाँ पे आई थिंक टीम नंबर 10 के बहुत बंदे बहुत ज्यादा डाउन है. टीम आईसीजी माइल्स इज पुशिंग इट, ग्रोजा से एक डाउन और फिनिश होते हुए पूरी तरह. आईसीजी माइल्स विद दैट ग्रोजा कमिंग इन. यहाँ पे आप देख सकते हैं पबजी किंग 007 जो सोल आई थिंक वो एंड एमसी एक्सपर्टी टीम टू से हैं, बट आई थिंक पबजी किंग यहाँ फिनिश होंगे ही बिकॉज ही इज नॉक्ड ऑलरेडी आई थिंक, और ही इज वेरी लिट, आई एम नॉट श्योर. एमसी एक्स बड़ी जोन के बारे अभी उनको स्मार्ट खेलना होगा बिकॉज उनको पोजिशनिंग सिक्योर करनी है. एमसी एक यहाँ पबजी किंग आई सेड नॉक्ड है एंड वो वाइप हो जाएंगे जोन से, किल नहीं देते हुए किसी को, विच इज वेरी गुड इन अ वे टैक्टिकली. एम सी एक्स बडी को बहुत केयरफुल रहना होगा, उनके वो सोलो बंदे हैं, उनके सामने आई थिंक दो फुल स्क्वाड्स हैं राइट नाउ. टीम कॉस्मोस जो सब ही लोग हैं, टीम डेथ स्लेयर्स और टीम डेथ स्लेयर्स एंड टीम कॉस्मोस का फाइट हो गया, विच इज वेरी गुड फॉर एम सी एक्स बडी, वो क्योंकि यहाँ से अब देख सकते हैं वो अपना टाइम बाइट कर सकते हैं. वहाँ एम सी साइको भी है, ओके इज नॉट सोलो. यहाँ 2v4v4 का सिचुएशन बहुत इंटेंस. आई थिंक द गुड थिंग इज एमसी साइको और एमसी एक्स बडी आर फार अपार्ट. कॉस्मोस इज होल्डिंग वन हाउस. टीम नंबर 24 से एक स्ले किलर डाउन होते हुए बहुत लिट है, ही नीड्स टू हील अप फास्ट. ये गन फाइट यहाँ होके ही रहेगी, अगर एक नेट अगर दोनों में से कोई टीम एक दूसरे पे करते तो लोग क्लोज बाय हैं, सब डैमेज होंगे. टीम डेथ स्लेयर्स के स्ले न्यूबॉर्न नॉक है, उनको आई थिंक उठा लिया जाएगा. एमसी साइको विद दैट वेक्टर, उन्होंने एक्चुअली थ्रू आउट दिस गेम वेक्टर का काफी अच्छा यूज किया, ही सीम्स टू बी वेरी गुड विद एसएमजीज. यहाँ कॉस्मोस का ट्राइंग टू फाइंड हिज वे आउट, कंफ्यूज हैं उनको, दे हैव रियलाइज्ड आई थिंक पीछे एक बंदा है बट वो फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं एग्जैक्टली कहाँ है. यहाँ पे एमसी साइको के सामने, एमसी साइको आई थिंक विद द बेस्ट पोजीशनिंग, बट वो अभी उठ गए हैं, यहाँ पे डैमेज लेंगे, ओपन से जा रहे हैं एमसी साइको पेड़ के पीछे, बट पीक लेने की कोशिश, एंड आई थिंक यहाँ डाउन होंगे और कंप्लीट होंगे ही होंगे. यस कंप्लीट होंगे ही होंगे ओपन. एमसी एक्स बडी विद इन ग्रोजा एक डाउन किया, ब्यूटीफुल स्प्रे. उनके सामने और तीन लोग खड़े हैं, यहाँ पे ग्रोजा प्री फायर देते हुए नॉट वर्किंग आउट वेरी वेल, हाफ डाउन है. देन एक्सपर्टी नीड्स टू बी वेरी केयरफुल, यहाँ ब्यूटीफुल स्प्रे एंड यहाँ पे एमसी एक्सपर्टी ने सबको डाउन कर दिया. जी जी इन द चैट, एमसी एक्सपर्टी टेकिंग ऑन मोस्ट ऑफ टीम कॉस्मोस ऑल बाय हिमसेल्फ, सोलो स्क्वाड वाइप, जबरदस्त. हैशटैग जी जी इन द चैट बॉयज फॉर एमसी एक्सपर्टी. यहाँ पे कैन एमसी एक्सपर्टी डू दिस, कैन वो टेथ स्लेयर्स के खिलाफ 1v4 ये क्लच कर सकते हैं. इसलिए न्यूबॉर्न ओपन आते हुए ट्राइंग टू फाइंड आउट एमसी एक्सपर्टी की, एमसी एक्सपर्टी कोई कवर के पीछे नहीं है, ग्रोजा का स्प्रे देते हुए उन्होंने नॉक कर दिया स्ली न्यूबॉर्न को, बट यहाँ तीन लोग उनको स्प्रे देते हुए एंड स्ले वाइपर गेट्स द किल. एंड विद दैट डेथ स्लेयर्स पिछले मैच में सेकंड, दिस गेम में चिकन डिनर विद अच्छे खासे किल्स, बट हैशटैग जीजी इन द चैट फॉर एमसी एक्सपर्टी, बहुत अच्छा खेला उन्होंने. एंड इसी के साथ दिस कल्मिनेट्स वीक वन ऑफ आवर टूर्नामेंट, अभी सेकंड वीक बाकी है. सो प्लीज मेक श्योर आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें, इन सारे टीम्स को आके सपोर्ट कर सकते हैं आप. डिस्कॉर्ड ज्वाइन करिए, व्हाट्सएप ज्वाइन करिए, कनेक्टेड रहिए हमारे साथ इन टीम्स के साथ, आप भी खेल सकते हैं कस्टम्स, प्लीज ज्वाइन करिए, लिंक्स आर इन द बायो, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन, सपोर्ट करिए.
एंड आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, हु विल टेक इट फ्रॉम हियर? यहाँ पे डेथ स्लेयर्स ने दोनों गेम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है एंड उनके किल्स भी अच्छे हैं, विद व्हिच मींस दैट हाईएस्ट ऑन द पॉइंट्स टैली राइट नाउ. एंड आई थिंक बहुत इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट वीक. कुछ टीम्स को अपनी स्ट्रैटेजीज बहुत री इन्वेंट करनी होंगी, कुछ टीम्स को अपने जो रोटेशन है वो इम्प्रूव करने होंगे, गन फाइट्स जो ले रहे हैं उनको अब देखना होगा कि करेक्ट टाइम पे गन फाइट ले रहे हैं कि नहीं. और हम जरूर आपके साथ जुड़े रहेंगे, वीडियोज विल बी ड्रॉपिंग आउट सून. एंड इसी के साथ हम आपको मिलते हैं ऑन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सपोर्ट. लेट्स गो.